नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हिंदूवादी संगठनों ने अब राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। आगरा में हिंदूवादियों ने ऐलान कर दिया कि अगर राम मंदिर नहीं बना तो भाजपा को वोट नहीं देंगे। यही नहीं, इसके लिए उन्होंने आम जनता को भी जोड़ना शुरू कर दिया है। हिंदू ही आगे संगठन के लोगों ने आगरा भगवान टोके चौराहे पर राम मंदिर नहीं तो वोट नहीं मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान के कुछ ही देर में 30,000 से अधिक आम लोगों ने हस्ताक्षर के माध्यम से अभियान को समर्थन दिया। हिंदू ही आगे संगठन के आगरा महानगर अध्यक्ष गोविंद पारशर का कहना था कि सरकारें केवल सत्ता में रहने के लिए आती हैं, सत्ता पाने के लिए हिंदुओं की आस्था के खिलाफ, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राम मंदिर नहीं तो वोट नहीं। ये साइन मैंने अभी तक 30,000 साइन हो चुके हैं ये राम मंदिर के लिए। आज कई सालों से ये मुद्दा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जब भी लोग सत्ता में आते हैं कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बोला था एक बार हमें सत्ता में लाइए तो राम मंदिर हम बनाएंगे। वो आज बात करते हैं तो कहते हैं कि ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। मतलब इनका मुद्दा खाली, जब भी चुनाव आता है, जब भी राम मंदिर राम याद आते हैं उसके बाद मंदिर चुनाव चला जाता है, राम मंदिर भी खत्म हो जाते हैं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, हिंदू समाज को भी कहना चाहता हूँ कि अब हमें सावधान रहना चाहिए, हिंदू समाज को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी नेता है भगवान का नाम यूज करके और उनको मंदिर बनाने का इनका कोई मकसद नहीं है, खाली हिंदू समाज को पागल बनाना है। आज हमने पूछा, मुख्यमंत्री जी से भी, योगी जी से भी पूछा कि क्या राम मंदिर कब बनेगा, बोलते हमारे एजेंडे में नहीं है। और आपको भी उन लोगों को जो जो लोग साइन करके जा रहे हैं वो बोल रहे हैं अगर राम मंदिर 2019 में नहीं बना, 2019 से, तो हम वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा है हम वो बटन दबाएंगे जो किसी भी पार्टी को वोट नहीं जाएगा। हमारा 1,00,000 हस्ताक्षर का अभियान है, 1,00,000 हस्ताक्षर करके योगी जी से मिलेंगे। अगर हमें योगी जी ने टाइम मिलने का नहीं दिया तो मुख्यालय लखनऊ पे हम अनशन करेंगे। अगर 1,00,000 का तुम्हारे लक्ष्य से आगे की अगर आने नहीं अपनी बात तो क्या लगता है लोकसभा सीट में सांसद की सीट मिलेगी? जो तो पार्टी को बात करनी है, ऊपर इनको बात करनी है। अगर 25,000 भी लोग अड़ गए तो कोई भी सरकार नहीं बना सकता और कोई भी सांसद विधायक नहीं बन सकता। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए। राम मंदिर अब ये क्यों नहीं बना सकते, जब ऊपर से नीचे आला सरकार, अब किसको पागल बना रहे हैं? अब हिंदू समाज समझ चुका है कि सारी जो पार्टियां हैं खाली अपने वोटों के लिए आती है, ऐस करके चली जाती है, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने का इनका मकसद है। कोई जनता मरे कोई दिक्कत नहीं, राम मंदिर हमारे पांडाल में बैठे कोई मतलब नहीं। आज हम अपने घरों में बैठे हैं, आज भी हमारे भगवान गर्मी में, सर्दी में, बरसात में एक पांडाल में बैठे हैं, क्या उनको ठंडी लगती है? नेता लोग समझेंगे कभी? मैं कहना चाहता हूँ अगर 2019 से बीजेपी ने अगर मंदिर का ईंट नहीं लगाई तो मैं हिंदू समाज को जागरूक करेंगे, आप किसी को वोट मत कीजिए जब तक हमारा राम मंदिर नहीं बने।